क्या लग रहा है, ये राम मंदिर जो राजनीतिक मुद्दा है कभी बन पाएगा राम मंदिर? वो कुछ नहीं बन पाएगा, सब ऐसे चलते रहेगा। मुझे सीधी बात, मंदिर और मस्जिद तो बाद की बात है। सबसे पहली बात मुझे जॉब वगैरह लोगों को चाहिए, जो आजकल ठेकेदारी प्रथा चल रही है वो ख़त्म होना चाहिए। जो ठेकेदारी प्रथा चल रही है ना, वो ख़त्म होना चाहिए। दूसरा, सेकंड बात, हर बंदे को जॉब, एजुकेशन, पढ़ाई के स्तर ऊपर होना चाहिए, लेवल ऊपर होना चाहिए, ये सब हमें चाहिए। वजह क्या है, हम इस बीजेपी से इतने दुखी हो चुके हैं। हम अपनी दीदी की शादी पे, खुद हमारी दीदी नोटबंदी में साथ लगी थी, वो इशू तो उसका है, मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगी, चर्च बनेगा, वो बात अलग है। पर हम जो इतने बीजेपी से दुखी हो गए हैं, हमारा भगवान जानता है, क्योंकि नोटबंदी में हमारे पैसा हम लाइन में लग लग के लगा रहे हैं, हमारी दीदी की शादी है, अपना पैसा हमने किस किस तरह से अपना वो करा है हम जानते। परेशान गरीब, बीजेपी की सरकार में मैं यही कहूँगा, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। विकास विकास क्या विकास, आज भी ऐसे गांव हैं जहाँ पेट भर के रोटी नहीं मिलती, पूरे दिन गड्ढा खोदता है, उसे पेट भर के खाने नहीं मिलता। जो आदमी फ्लाइंग कर रहा है शहर की तरफ कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, उनको ऐसा विकास कहाँ है? अगर विकास आपने यूपी में कहीं दिया होता तो बंदा यहाँ क्यों आता? विकास क्या, आपके मायने में विकास नहीं हुआ है, तो क्या बीजेपी अब किन मुद्दों के साथ खेलेगी? जी, हमने तो बिल्कुल फ्लॉक लगी जी, भगवान जानता है किसकी कसम खाए। हम तो बिल्कुल, हमारे परिवार कम से कम नहीं तो दरेगंज क्षेत्र के रहने वाले, बाजार सीताराम बाजार के, हमें आज से नहीं, हम पैदाइशी हमारे बाप दादा पुरखे हुए हैं, लाल दरवाजा के हैं। हमारा परिवार कम से कम 250 आदमियों का परिवार है, तो हमने सबने तय करा था बीजेपी को देंगे, मंदिर बनेगा। देखो मंदिर का और उसका कुछ नहीं है, हमारे को पूजा करनी है ना, तो हम अपने भगवान कहाँ बसते हैं, मन में बसते हैं। मंदिर बने, वहाँ कुतुब मीनार बना दें, पर एक एक हमारे हमारा जो देश का चल रहा है, जो गरीबी की रेखा से जो नीचे हैं वो ऊपर नहीं आ पाते। कहूँ 10 नंबर में से आप कितने नंबर देना चाहोगे? देखो भाई, हम तो 0 देंगे, चाहे उनको मोदी जी सुन रहे हो, चाहे अमित शाह जी सुन रहे हो, वो चाहे मैं अपना एड्रेस फोन नंबर भी दे सकता हूँ, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे जान के परवाह, ना किसी के। जो सच्चाई है, जो सच्चाई है।